हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। और वैसे आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज मैं बात करने वाली हूँ वृद्ध आश्रम के बारे में। वृद्ध आश्रम क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब अपने माँ बाप की चाह टूट जाती है, जब बच्चे उनसे प्रेम करना छोड़ देते हैं, उनको अपना बोझ समझने लगते हैं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो है वृद्ध आश्रम। जाके वहाँ पर छोड़ आते हैं। हम नहीं समझ पाते कि उनका साथ हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, वो आशीर्वाद, वो हाथ हमारे सर पर कितना ज़रूरी है, वो नहीं समझते। क्योंकि वो उस टाइम यंग एज में होते हैं, उनके ऊपर गुरूर चढ़ा होता है अपने यंग एज को लेकर, अपनी इंटेलिजेंसी को लेकर, अपने सक्सेस को लेकर। बट वो ये नहीं जानते कि सक्सेस, ये यंग एज, जो भी कुछ उन्हें मिला है, वो सिर्फ उन्हें अपने बड़ों के आशीर्वाद से मिला है। वो अपने माँ बाप को ऐसे अकेलेपन में छोड़ देते हैं, जहाँ वो बस यही ढूंढते रहते हैं, एक साथ ढूंढने की चाह रखते हैं कि कोई उनसे मिल जाए, उनसे बात करे, उनका दुख सुने। बट ऐसा नहीं हो पाता, कोई नहीं सुनता, निराशा में वो डूब जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता उन्हें। वो सिर्फ एक आशा की तरफ एक नज़र उठा के गेट पे टकटकी लगाकर देखते रहते हैं कि अब कोई आएगा और उनसे पूछेगा कि माँ आप कैसी हो या पापा आप कैसे हो। बट वो उन्हें सुनाई नहीं देता और ना ही दिखाई नहीं देता, और इस कारण वो अपने मुंह को चुप कर लेते हैं, आंखों से देखना बंद कर देते हैं। अब ये बातें सुनी नहीं जाती, कानों को ऐसे चुभती हैं कि बहुत बुरा लगता है। जब हम दुनिया में ये चीज़ सुनते हैं कि उसके माता पिता वृद्ध आश्रम में हैं, उसने अपने माँ को सड़क पे छोड़ दिया, उसने अपने बाप को सड़क पे दे दिया और कुछ खाने को नहीं दिया, सारे दिन प्रताड़ित करते रहे हैं, अब कानों में ये चुभन सी होने लगी है, कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। आप जानते हैं कि इनकी एक मुस्कान कितनी ज़रूरी है? एक माता पिता जो अपना पूरा जीवन एक बच्चे को दे देते हैं उनकी हंसी खुशी के लिए, उनकी ये मधुर मुस्कान आप देख रहे हो ना, कितनी प्यारी लगती है। इस मुस्कान पे कुर्बान जाएं। मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते हैं, कृपया करके शायद इस वीडियो को देख के थोड़ा सा एहसास हो जाए और वो अपने माता पिता की कदर करें, उनकी बात सुने, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा पता है, उन्हें जीवन का बहुत अनुभव है। इस प्यारे से ओल्ड को, यानी इस प्यारी सी उम्र को संजो के रखो। वृद्ध होना कोई बुरी बात नहीं है, हमें भी वृद्ध होना है, हमें भी बूढ़ा होना है। तो ये देख रहे हो, छोटी सी पिक्चर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लगाई है कि कितने प्यार से इन बूढ़े माँ बाप को इन बच्चों के हाथ ने समेटा हुआ है। इसी तरह से हम भी अपने माँ बाप को प्यार दें, सहारा दें, उनको वृद्ध आश्रम ना छोड़ के आएँ, उनकी कद्र करें, किसी के बहकावे में मत आएँ, उनका आशीर्वाद अपने ऊपर हमेशा बना के रखें, उनके साथ रहें, उन्हें प्यार दें। वृद्ध आश्रम तो वो लोग छोड़ के आते हैं जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, बट हम तो करते हैं, आप तो करते हो, तो प्लीज़ ऐसा कोई काम ना करें कि उन बद्दुआ लगे। हमेशा उनका आशीर्वाद अपने ऊपर बनाए रखिएगा, उन्हें खुश रखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस।